हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली। जी हाँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है BSc थर्ड ईयर वालों का केमिस्ट्री का, और 20 तारीख को सेकेंड ईयर वालों का भी होने वाला है, और उसके फिजिक्स का भी होने वाला है, साथ ही साथ जियोलॉजी का भी होने वाला है। तो सेकेंड ईयर वालों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। आपकी सब जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसको सोल्यूशन करने के लिए हम आए हैं, बाकी किसी लिए नहीं आए हैं। हमारा पेपर हैकर का मतलब यही है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन किया जाए। तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार अपने फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कर दे, बस बाकी कुछ नहीं चाहता उससे एक्स्ट्रा में। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये तो पता होगा कि पैटर्न आपका किस प्रकार से बन रहा है एग्जाम में। देखिए आपको जो आपके पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे हम बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन कह सकते हैं, MCQ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 करने होंगे जो आपके 20 नंबर के होंगे, ये तो सभी को पता होगा 20 नंबर होगा। और वहीं यदि बात की जाए 20 नंबर जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करेंगे, जो 20 नंबर आपको दिख रहा है इसको हमारे PDF से आप डाउनलोड करके इस 20 नंबर को पा सकते हैं। आप यदि PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, PDF को डाउनलोड कर लेते हैं तो 20 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा क्या बताइए, क्या आ जाता है उसके बाद में हमारा आता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब जब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 10 पूछे जा रहे हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं, वहीं यदि लॉन्ग क्वेश्चनों की बात की जाए तो आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां से आपको 1 करना है। अब यहां लगा सकते हो केवल 10 क्वेश्चन करना है और 26 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए, हैरान होने की बात है यार। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ, मतलब कि आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप करके ना हो, मतलब कि 100% सारे के सारे क्वेश्चन करके हो गए, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। ये फ्यूचर में कभी आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिए, आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा फ्यूचर में। समझ लो इतना मौका अच्छा है कि आपको 26 क्वेश्चन में से, मतलब कि समझ लो केवल 10 क्वेश्चन करना है यार 50% से भी कम डिस्काउंट, समझ सकते हो इतना कम क्वेश्चन आपको करना है। अब चलो इस बात को छोड़ देते हैं, बात करते हैं अपने काम की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, आपने हमें पता नहीं आपने क्या पढ़ा और क्या ना पढ़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद आप क्या पढ़ोगे ये फर्क पड़ता है। आप फटाफट अपने बुक को ओपन कर लीजिए, और मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, उस बुक गैस पेपर से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, और अपने ओपन जिससे भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ ध्यान देंगे, बाकी सबको एक्स्ट्रा अलग करते रहेंगे। तो देखिए सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा दीजिए। इसके लिमिटेशन को भी साथ में याद करेंगे। क्वेश्चन बॉन्ड सिद्धांत इंपोर्टेंट है, लगा दीजिए। एलएस सेगमेंट को शॉर्ट में आपसे पूछेगा, लगा लीजिए। कार्बन धात्विक यौगिक जिसे हम ग्रिग्नर्ड अभिकर्मक बनाने की विधि, इसको आप लगा लीजिए। कार्बन लिथियम यौगिक कैल्में, देखिए कार्बन लिथियम की जगह मैंने कहा मैग्नीशियम भी पूछ सकता है और एल्युमिनियम भी पूछ सकता है। कार्बन एल्युमिनियम यौगिक बनाने की विधि, कार्बन मैग्नीज यौगिक बनाने की विधि, तो आपको घबराना नहीं है यार। जो लिथियम की जगह LI लगाते हैं वहां MG लगा दीजिए, भाई प्रोसेस को पूरा दोहरा दीजिए, बस एक बार पढ़ लेना है, कुछ खास नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखना है, देखो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फास्फोसिन बनाने की विधि, ठीक है, और क्यूरी ताप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यूरी ताप को याद कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप विथ डायग्राम ऑन बॉन्ड ऑर्डर को देख के, बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। जो आपको तीन थ्योरी बताइए, क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके बॉन्ड ऑर्डर लिमिटेशन वगैरह सब कुछ आप देखेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आपको बनने वाला है, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप याद करेंगे, और स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज को याद करेंगे, शॉर्ट में आपसे बन सकता है, और साथ ही साथ ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, हार्ड एंड सॉफ्ट एंड बेस को याद करेंगे। उसके बाद में देखिए सिलिकॉन प्रकार बनाने की, जो सिलिकॉन के प्रकार देख लेना, और उसके बाद में यहाँ हम देखेंगे, देखिए ENA जिसे, देखिए यहाँ ये इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनने वाला है, सॉरी MCQ क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के या फिर ENA नंबर किसी एक को आपको सिंपली फार्मूला दे देगा यौगिक का, और आपसे पूछेगा कि इसके ENA नंबर बताइए, तो वहां निकालना है। और उसके बाद में यहाँ से आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, विटामिन के बारे में इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी आपको दे देता हूँ, पढ़ लीजिएगा एक बार, और आयोडीन फास्फोरस क्लोराइड इनके बारे में, आप चारों के बारे में याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में डी ब्रोंगली समीकरण के बारे में याद करेंगे, डी ब्रोंगली समीकरण हाइब्रिडाइजेशन, SP संकरण, देखिए SP संकरण, SP2 संकरण और SP3 संकरण, इसको आप याद करेंगे, और अफवाऊ हुंड का रूल वगैरह जो होता है ना, हुंड का रूल है, अफवाऊ का नियम वगैरह, ये तो सभी को पता होंगे, ये छोटे छोटे आएंगे तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, वो 3-4 भाग में डिवाइड करेगा, आप देखना पेपर को, ठीक है। और डी डी संकरण ट्रांजिशन मैंने ऊपर बता रखा है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आप कर लेंगे।
इतना आप कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड को भी देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बस इतना पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा खास मत देखना, इतना ही आपको क्वेश्चन देख लेना है। बस थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लगभग 8 से 8-9 क्वेश्चन होंगे जो भी है, ठीक है। इनमें बस एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको, बाकी मुझे पता है सब कुछ आपको याद होगा, बस एक बार देखना है इन्हें, फालतू कुछ नहीं है, बस एक बार देख लेना है। उसके बाद में देखिए हम इसके हम सेकंड पार्ट में पहुंच जाते हैं केमिस्ट्री के, सेकंड जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम देखिए प्रोड और पिरिमिडीन को बनाने की विधि को देखेंगे, और देखिए मैंने ऊपर ये चीज बता चुका हूं, पहले कार्बन धात्विक यौगिक, कार्बन लिथियम यौगिक, इसको नहीं बताएंगे क्योंकि आप ऊपर बता चुके हैं। यहां देखिए इसमें हमें बहुलीकरण को याद कर लेना है, बहुलीकरण के दो टाइप होते हैं, एक होता है योगात्मक बहुलीकरण जिसे एडक्शन पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, और एक होता है संघनन बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, इसको आपको देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखिए क्लोब्लिन और आइसोक्लोब्लिन की संरचना, इसको पढ़ लेना, और ग्लूकोज की संरचना को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। लाइलोन 6 बाई 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है टेफ्लॉन के वर्गार में, इसको देख लेंगे। अमीनो अम्ल बनाने की विधि, जिसमें आपको दो टाइप को देखने को मिलते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल, इनको आप याद करेंगे। सल्फागु एडिनिन बनाने की विधि को यहाँ पे याद करेंगे, और साथ ही साथ जब स्पेक्ट्रम की बात आ जाती है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप यह देखेंगे कि आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल हाइड क्या होते हैं, इसको आप देखेंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एसिटोफिनॉल एंड पी पैरामेथल जो एसिटोफिनॉल होता है, इसके बारे में आपको अंतर देखने को मिलता है, वो भी आपको कहेगा कि डिफेंड करिए, मतलब इन दोनों में अंतर बताइए, वो भी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट बताना है, बाकी यहाँ कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में आरएनए की बारे, अमीनो अम्ल ऊपर बता सका, इसको कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन्स के बारे में आप याद कर लीजिएगा, प्रोटीन्स के बारे में, और सल्फोनामाइड और सल्फोनल, इनमें आपको अंतर पूछ सकता है बनाने की विधि में, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में रंजक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, डेज क्या होता है, ठीक है। और यूरिया फॉर्मेलिक रेजिन बनाने की विधि आप इसको याद करेंगे, ये वाला यूरिया रेजिन बहुत होता है, फिर फॉर्मेलिक इसके बारे में। और देखिए जब लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यहां से लेकर यहां तक से पूरे चारों क्वेश्चन में से चारों क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में फंसा तो याद रखिए तेल का अम्लमान क्या होता है, साबुनीकरण आयोडीन मान, और तेल का हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ क्वेश्चन कोई भी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कौन सा करना है नहीं करना है, सब थ्योरी में ही आप सब करके आएंगे, जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल वगैरह करने की, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही सब कुछ करके आएंगे। यहाँ देखिए अब पहुंच जाते हैं केमिस्ट्री के थर्ड में, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आपको यहाँ देखिए श्रोडिंगर तंग समीकरण को याद कर लेना है, ठीक, हुक्का नियम भी पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऊपर बता चुका हूं, मैनिकुलर अबिलिटी थ्योरी पहले बता चुका हूं, इसको नहीं पढ़ना है। और देखिए उसके बाद में बोहर का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, उसके क्वांटम इफेक्ट के बारे में पढ़ लेना है, और साथ ही साथ जो हाइड्रिक कक्ष होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और नीचे हम जाएंगे, अब देखिए परमाणु जो सॉरी अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है, तो अवरक्त स्पेक्ट्रम के दो भाग देखने को मिलते हैं आपको, एक होता है परमाणु स्पेक्ट्रम जिसे हम एटमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, एक अरबिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम इनके भाग होते हैं, दोनों स्पेक्ट्रम को विथ डायग्राम के साथ आपको बनाना है। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर बता चुका हूं कि sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, यहां हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में, तो वहां आप कर सकते हैं। यदि वहां आपने ना कराओ तो सेकंड थर्ड पेपर में भी आप पढ़ सकते हो, यदि आपके फर्स्ट पेपर में ना है बुक में तो आप यहां पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा। हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रमन इफेक्ट को याद करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर आ जाती है, आपको पता है ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये खुद आपको बताए। और साथ ही साथ क्वांटम संख्या के बारे में याद करेंगे, चार प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या, चक्री क्वांटम संख्या, वही सब आप देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, वो सब। और कृष्ण का विकिरण जिसे हम ब्लैक बॉडी रिडक्शन बोला जाता है, इसको आप याद करेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुद यूनिवर्सिटी जाना पड़े, समझ रहे हो मेरी बात को। सब जान रहे हैं, सब जानते हो, ठीक है, नहीं भूलोगे, चिंता मत करो यार, यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। वल्यतांक को भी पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना, वल्यतांक शॉर्ट में बन सकता है, शॉर्ट में बनेगा, और मैं यही चाहता हूं कि 26 के 26 क्वेश्चन यहां से फंसे। आपका दिल जो कहे ना वो करके आओ, जो आपको सरल लगे वो करके आओ, ठीक है। आइंस्टीन का तुलता के देखिए, आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तन्यता का नियम आपको याद कर लेना है। उसके बाद में देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण को याद कर लेना है, और यहां आपको क्यूरी वाइल्स नियम की कर इसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आयोजित इलेक्ट्रॉन से संबंधित होते हैं आप इसको याद करेंगे, और प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया को याद करेंगे, उसमें विक्रिया को याद कर लेंगे, एक बार पढ़ना है, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक बार पढ़ लेना है इनको। उसके बाद में क्या है, राउल्ट का नियम, बियर का इसको नियम देखिए, शॉर्ट में यदि बनेगा तो बनेगा, वरना इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। आइंस्टीन के तुलता का नियम पहले बता चुका हूं। उसके बाद में देखिए यहां, और उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब संदीप्ति को पढ़ लीजिएगा पढ़ना है तो, ठीक है। अब देखिए यहां आपको देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब यहां से आप सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए, देख लगते हो एक बार, आप एक बार इसको देख सकते हो, सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा दिए, सारे क्वेश्चन आपके यहां से मिलने वाले, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा,
यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, आप एक बार दोबारा से रिटर्न कर सकते हो, वीडियो को रिटर्न कर सकते हो, वापस करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है, यहीं सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हो। पेपर जैसे ही देके आओगे ना, देने जाओगे और पेपर देखोगे बैठ के, तो सारे क्वेश्चन यही होंगे और यही 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 होंगे। साथ ही साथ S1 और SN2 में एक बार अंतर और देख लेना, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धातु कार्बिल यार, यही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, धातु कार्बिल इसको भी पढ़ लेना, धातु कार्बिल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। धातु कार्बिल को पढ़ेंगे और उसके बारे में, उसके बाद 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 में कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म खत्म। और आपको यहां से 95% प्लस मिलेगा देखने को। और बताओ 85 तो छोड़ दिया मैंने, जमाना छोड़ गया भाई 85 को, अब 95 पे पहुंचे हम लोग, क्योंकि हमें टॉपर बनना है, यहां से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कोई भी दिक्कत है तो मुझे एक बार जरूर बताना मेरे दोस्त, एक बार जरूर बता देना, कोई भी दिक्कत किसी को आ रही है कहीं से कहीं तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो आपको हमेशा साथ दूंगा। मिलते हैं तब तक, बाय बाय दोस्तों। आपका दिल जो चाहे वो कर सकते हो, उसके एक्स्ट्रा पढ़ाई मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मत पढ़ो, आपका जो दिल करता है वो कर, लेकिन यहीं से सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो पढ़ने की जरूरत का यार, समझ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।